गुना जिले की पार्वती नदी से एक महिला और 1.5 साल की बच्ची का शव मिला है। महिला के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुना जिले से एक मार्मिक खबर सामने आई है। यहां पार्वती नदी से एक महिला और उसकी 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान रघुनाथपुरा गांव में रहने वाली प्रिया लोधी और मासूम की पहचान पीहू लोधी के रूप में हुई है। शव मिलने की जानकारी पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिला के परिजनों को दी, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी प्रिया को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद प्रिया ने यह कदम उठा लिया। इधर महिला के पति ने भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं गुना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीमान, देखिए ऐसा है, हमने जब शादी करी, शादी के 6 महीने बाद, इससे हमेशा लड़ते रहे ये सास, इसकी जो जेठानी है वो, और जेठ और जो जमाई बना हो, हमेशा ये कहता रहा, एक प्लाट ले जा तूने, एक प्लाट हो ले, तेरे बाप के पास बहुत प्लाट है, और इसे बार बार परेशान करा, कुछ पैसों की भी मांग करी सर। पैसों की मांग करने के बाद में सर 13 तारीख ही हमारे यहाँ सुटलिया पहुँची, तो भाई को फोन लगाया, मनोज लोधी को, उनने कही भैया कहाँ हो, उनने कही मैं पैसे पे गया हूँ ब्यावरा, उनने कही भैया बात करनी थी। फिर वो पापा जी ज़्यादा नहीं बोल पाई, पापा जी इसके कहे कि मैं बहुत परेशान हूँ और ये मेरे को रोज़ परेशान कर रहा है, प्लाट एक खोल ले तू, एक प्लाट तूने ले लिया, बाकी तो जो बड़े भाई की शादी हुई उसमें यही रहा कि शादी मैंने करी और जो अल्टो मल्टो आई वो तू चला, तू भी चलाता, लेकिन प्लाट एक मुझे भी चाहिए। इस तरीके से हमारे बच्चे को, पढ़ी लिखी इतनी शानदार बच्ची है, और सर इन लोगों ने पड़ताली कर करके उसे इस कदर परेशान करा। अभी शादी करी 3 साल पहले, 1.5 साल की बच्ची थी। ऐसे ही ये लोग हैं गंदे, इन लोगों को बिल्कुल कानून से सजा मिलनी चाहिए सर।